हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को, मेरा राम राम। एमपी पुलिस का रिजल्ट के बारे में जो है बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और जैसे कि आयोग ने कहा था कि लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगी। ठीक है, हमने पिछले 2-3 दिनों में पेपर में भी अखबार की कटिंग देखा, बहुत कुछ देखा। इसके अलावा कुछ ही दिनों बाद में एसएससी जीडी का भी एग्जाम होने वाला है। आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कब कब एमपी पुलिस का रिजल्ट आए, तो हम एसएससी जीडी पे थोड़ा ध्यान न देते हुए, और यदि हमारा नाम आ जाता है तो हम एमपी पुलिस की तैयारी करें। मैं बता दूं, आप लोगों में से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका गोला फेंक में अभी तक 3-3.5 महीने के फिजिकल में जो है मात्र 2-3 फीट तक अधिकतम जो है गोला बढ़ा होगा, क्योंकि आपकी एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है। 3-4 महीने तक भी प्रैक्टिस करने के बाद वो जो पावर जनरेट होता है यहाँ से, वो पावर उतना ही रह जाता है। इससे ज्यादा हम लोग गोले को नहीं बढ़ा सकते हैं। सिर्फ ये 4 महीने की प्रैक्टिस में आपकी सीखने वाली बात यह थी कि आपसे गलतियां ना हो, मतलब आप फाउल ना हो। कि मान लो कि आपने जिस 3 इवेंट आपको मिलेंगे, जिस इवेंट को आपने बहुत अच्छे से थ्रो किया है, उसमें 24 फीट गोला फेंक दिया है, लेकिन यदि आप फाउल हो गए तो वह इवेंट आपका नहीं गिना जाएगा। हो सकता है आपको जब दूसरा सेकंड चांस मिले उस टाइम पर यदि आप गोला फेंक रहे हैं और आपका 22 फीट जा रहा है और आप फाउल नहीं है, तो फिर उसमें 2 फीट तो आपका गया ना, नुकसान हो गया ना। इसीलिए 4 महीने आपके सीखने के लिए थी कि आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि कैसे कैसे फाउल होता है और फाउल के नियम क्या होते हैं। अब ये बात मेरे को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कैसे आना है कैसे नहीं। वहां पर भी जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो उस टाइम भी आप देखेंगे लड़कों को, और आपको बताने वाले भी वहां पर रहेंगे इंस्ट्रक्टर, उन्हीं के आधार पर उन्हीं के उससे आप काम करोगे तो ठीक रहेगा। दूसरी बात मैं बता दूं, रिजल्ट आपका 2-3 दिन के अंदर में 100% आने की संभावना है, क्योंकि आपका रिजल्ट बन करके तैयार हो चुका है। अगर से वो नहीं आए तो फिर इसके लिए भी हमारी कोई वो नहीं है, जैसे कि हमने सुना है वैसे ही हम बता रहे हैं। ठीक है, चूंकि हम भोपाल में ही हैं अभी, और आपको पता है कि पीटीएस भौरी से है, लाइव वीडियो आप देख रहे हैं, ये श्रवण छात्रावास है। इसके अलावा जो है अभी ग्राउंड पूरा आपको वीरान सा दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि सभी लोग जो है नहा धोकर के तैयार हो रहे हैं। सुबह हमने थोड़ा सा वर्किंग किया, वर्किंग करने के बाद में नाश्ता वास्ता करने के बाद में जो है नहा धोकर के सब तैयार हो रहे हैं, ताकि अभी 10:30 से 11 बजे के बीच में सभी के सभी लड़के जो है आउट पास जा सके। आउट पास वीकली में एक दिन सभी को मिलता है, जो अगर आपके पास साधन है तो अपने साधन से जाइए, नहीं तो फिर ये पीटीएस से जो है बस में आपको छोड़ देते हैं शहर के अंदर। दूसरी बात, एसएससी जीडी वालों के लिए 100% मैं एक बात बता दे रहा हूं, यदि आपने अभी तक वीडियो को देख चुका है तो एसएससी जीडी वालों के लिए मैं बता दूं कि आपका एग्जाम अब कुछ ही दिन बचा हुआ है। यदि आप अभी भी अपने सिलेबस को कवर करने में लगे हुए हैं तो उसको छोड़ दीजिए। अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज लगाइए, कम से कम दिन में 2 बार टेस्ट सीरीज लगाइए, एक सुबह एक शाम को। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद में जो है टेस्ट सीरीज का मतलब एक प्रैक्टिस सेट, टोटल ऑल ओवर एक सेट, 80 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 160 नंबर का होता है। यदि आप उसमें 60 क्वेश्चन 100% सही करके आ रहे हैं और 65+ क्वेश्चन भी आपके सही हो गए टोटल मिला के, तो यूं समझ लो कि आप लगभग कट ऑफ के पास चले गए हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग का पेपर होता है और एकदम हाई फाई कट ऑफ इसमें नहीं जाता है। लेकिन पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। अभी जो एमपी पुलिस में अच्छे से अच्छे नंबर लाए हैं, इनका क्या होगा कि अगर से मान लो एमपी पुलिस वाला रिजल्ट घोषित हो जाता है तो वो लोग अपना एमपी पुलिस में ज्यादातर ध्यान देंगे, एसएससी जीडी में ध्यान नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो ज्यादा अंक लाने वाले लड़के हैं, जो एमपी पुलिस वाले हैं खास करके, या अदरवाइज दूसरे उससे भी, क्योंकि एसएससी जीडी जो है ऑल ओवर इंडिया लेवल का होता है, इसका कंपेयर एमपी पुलिस से तो नहीं किया जा सकता। फिर भी जो लड़के एमपी पुलिस में जाना चाह रहे हैं और अच्छे नंबर आए हैं, वो एसएससी जीडी का फिर देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, चलो यार अभी इसमें हो गया, इस पे ध्यान लगाया जाए। और यदि जो आप लोग एमपी पुलिस में जिनके कम नंबर है, वो ये मत सोचना कि हमारे कम नंबर आए हैं, कभी कभी पेपर जो है वो अपने हिसाब से भी आ जाता है। जैसे कि क्या होता है कि आप कई दिनों तक गहन तैयारी करे हैं लेकिन आपके हिसाब से एग्जाम नहीं आया, तो फिर गए, समझ लो आपके नंबर 5-10 कम हो जाएंगे, 60-62 पे अटक जाओगे तो रह जाओगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने तैयारी बहुत अच्छे से नहीं करी है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, उसका आपका बहुत अच्छे से उसका फल मिलेगा। थोड़े दिन की बात और है, 10-15 दिन बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से मेहनत कर लो, एक बार बहुत बढ़िया नंबर लेकर के आ जाओ,
उसके बाद में एक बार नौकरी में लग जाओ, उसके बाद फिर जिंदगी में आप सोचते रहना कि आगे की तैयारी आपको क्या करनी है, कि नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, आगे बढ़ानी है नहीं बढ़ानी है, आपका मैटर है। चलिए इतना ही कह करके मैं आज के वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद आप सभी को। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि मैं इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर मेडिकल वगैरह से लेकर आपके फिजिकल ट्रेनिंग हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा राम राम, जय जोहार।